तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम दिखाते हैं अपने टमाटो। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए मेरे रूफ टॉप किचन गार्डन में टमाटो लगे हुए हैं। टमाटो का साइज अगर मैं दिखाऊं आपको तो देख सकते हो कम से कम 250-250 ग्राम का एक एक टमाटर हमारा है। ये देखिए कितना शानदार, बिल्कुल हेल्दी, एकदम फ्रेश प्योर ऑर्गेनिक टमाटो। और सिर्फ एक टमाटो नहीं, आप देख सकते हो कि ढेर सारे सभी के सभी टमाटर का साइज आप देखिए, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत शानदार रिजल्ट। बिल्कुल देसी टमाटो है, कोई हाइब्रिड नहीं है, देसी प्लांट है। और देखिए इसी तरीके से मैं आपको हार्वेस्ट करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक दो, ये देखिए तीन, यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा कैल्शियम की कमी हो जाती है, इस तरीके से जो फ्रूट है वो फट जाता है। तो कैल्शियम का डोज आप अपने प्लांट में देते रहें, जो चूने का लिक्विड पानी बनाकर उसको दीजिए एक सीमित मात्रा में। बहुत ज़्यादा अगर आप उसका यूज़ करेंगे तो प्लांट आपका जल सकता है। ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार रिजल्ट मुझे मिला है। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक ही प्लांट से मुझे ये सारे टमाटो मिले हैं। थोड़ा सा इसमें जो हवा के साथ ये खरोच लगने से थोड़ा सा डैमेज हुआ है, बाकी बहुत हेल्दी है, बहुत फ्रेश है। सबसे बड़ी बात, अपने हाथों से अपनी मेहनत से उगाए हुए जो प्लांट हैं उनसे मुझे ये हार्वेस्टिंग मिल रही है। सेकंड मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे आपको अपने ब्रिंजल के प्लांट, जो एक बड़े पॉट के अंदर लगे हुए हैं। और देखिए ये तीन प्लांट है और कितना शानदार, कितने बड़े साइज में ये बिल्कुल फैल चुके हैं, स्प्रेड हो चुके हैं और लगातार मुझे हार्वेस्टिंग दे रही है बिल्कुल हेल्दी हेल्दी फ्रूट्स की। ये देखिए इस तरीके से रेगुलर इनसे मैं हार्वेस्टिंग ले रही हूँ। ये मेरे लास्ट ईयर के प्लांट हैं जो कंटिन्यूसली मुझे फ्रूटिंग कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हो मैंने कुछ बैंगन भी हार्वेस्ट कर लिया। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपने फ्लावरिंग प्लांट। जी हाँ दोस्तों, हर ग्रो बेड के अंदर मैंने ये जो मैरीगोल्ड के फ्लावरिंग प्लांट लगाए हुए, ये सब होते हैं हमारे पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। पोलिनेटर्स आएंगे तो हमें और भी ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिलेगी, क्योंकि पोलिनेशन जब साथ के साथ चलता रहेगा और वो भी नेचुरल तरीके से, तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। और इसके बाद यहाँ देखिए मेरी रेड ओकरा। जी हाँ दोस्तों, ये मेरी लाल वाली भिंडी है जिसको मैंने लास्ट ईयर अपने ही गार्डन में सेल्फ जो बीज बनाए थे उसी से मैंने ये ग्रो किया है। काफ़ी कॉस्टली बीज आते हैं लेकिन मैंने खुद बीज तैयार किया और देखिए उसी से मेरी इसमें भी अभी फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। बहुत छोटे छोटे प्लांट के अंदर ही फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, बहुत हेल्दी होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है जो लाल वाली भिंडी होती है, तो इसको भी आप इजीली उगा सकते हैं। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं मेरे खीरे के प्लांट हैं, जो खीरे की बेल है, इनको मैंने सपोर्ट दिया ऊपर, रस्सी के सहारे इनको ऊपर चढ़ाऊंगी और धीरे धीरे इसमें फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है और इससे भी मुझे जल्दी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं मिर्ची के प्लांट है और मिर्ची से भी मुझे बम्पर हार्वेस्टिंग मिली है। मैंने अचार तक बनाया है यहीं से सारी जो फ्रेश फ्रेश मिर्ची हार्वेस्ट करके, और बहुत ही हेल्दी होती है। ये देखिए इसको भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसके साथ ही यहाँ आप देख रहे हो मेरे तुरई की बेल, ये देखिए देसी वाली जो तुरई होती है उसकी बेल है, इसको भी मैंने सपोर्ट दे के ऊपर चढ़ाना शुरू कर दिया। और यहाँ देखिए इसमें भी जो बेबी फ्रूट है वो बनना शुरू हो चुका है। और साथ में है हमारे पोलिनेटर्स को इनवाइट करने वाले फ्लावर, बहुत शानदार। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं हमारी चोले की बेल है, जो चोले की फली आती है, बीन्स होती है, वो मैंने लगाई हुई है और इसमें भी बहुत जल्द हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। इसको भी सपोर्ट चाहिए कि रस्सी के सहारे से आप इसको ऊपर फैला सकते हैं या फिर किसी जाली या पुरानी लकड़ियों के ऊपर भी इसकी बेल को आप स्प्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट इधर आप देख रहे हैं मेरे विंटर सीजन के टमाटो के प्लांट है और बहुत अच्छे से ये मुझे हार्वेस्टिंग दे रहे हैं पिछले 3 महीने से, और अभी भी देख सकते हो कितनी शानदार इसमें फ्रूटिंग चल रही है। फ्रूट धीरे धीरे पकते रहते हैं, हार्वेस्ट करते रहते हैं। और साथ में इधर लगी हुई है खीरे की बेल। तो दोस्तों मिक्स क्रॉप आप लगाइए, अगर एक प्लांट ना हो तो कम से कम दूसरे से हमें हार्वेस्टिंग मिलती रहे और इसी तरीके से हमारा जो गार्डन से आउटपुट हमें रेगुलर मिलती रहे। यहाँ देख सकते हैं किनारे किनारे पे मैंने चिल्ली के जो प्लांट है मिर्ची के वो लगा रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अचारी मिर्ची है और देखिए कितनी मोटी मोटी, कितनी हेल्दी और फ्रेश साइज की मिर्ची इसमें से मिल रही है। मिर्ची के बाद यहाँ आप देखेंगे हमारे तरबूज की जो है, मैंने सीडलिंग तैयार की थी उसको मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया है। तरबूज के जो बेल है ये चल निकलेगी। इधर लौकी की बेल है और इधर मेरी लगी हुई है ग्रीन वाली ओकरा। जी हाँ दोस्तों, हरी वाली भिंडी और ये लगी हुई है गुआर फलीज के जो बीज है उससे, देखिए इसमें फ्लावरिंग शुरू हो चुके हैं, इसमें भी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत हेल्दी होता है गुआर की फली की जो सब्जी है। और साथ ही साथ बार बार मुझे बताना पड़ रहा है कि मैंने हर ग्रो बेड हर पॉट के अंदर एक एक मैरीगोल्ड का प्लांट लगाया था जिसका मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। ये प्लांट्स की जो वेजिटेबल प्लांट्स की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है और साथ ही साथ हमारी जो मिट्टी होती है पॉट की
उसको भी रिचार्ज करता है, उसको फंगस और डिजीज फ्री रखता है। ये देखिए एक अलग वैरायटी है मिर्ची की, जो पतली वाली तीखी वाली मिर्ची होती है उसके प्लांट है, और नीचे मेरे ये हरी वाली भिंडी के प्लांट, या फिर से मेरे मैरीगोल्ड के मैंने कुछ बीज डाल दिए थे, उससे देखिए बेबी प्लांट तैयार हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं मेरे विंटर सीजन के जो टमाटो प्लांट्स थे, बहुत बेटर हार्वेस्टिंग इन्होंने मुझे दिए, बहुत ज़्यादा डेली मुझे 3-3, 4-4 किलो टमाटर यहाँ से हार्वेस्ट करने को मिल रहे हैं। अभी कुछ टमाटर बचे हुए हैं जो अभी पक जाएंगे, उसके बाद ये सारे प्लांट्स का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुका है, इनको मैं रिमूव कर दूंगी और फिर से अपनी मिट्टी को रिचार्ज करके फिर से इसमें नए प्लांट लगाऊंगी। इधर देख सकते हैं ये मेरा शिमला मिर्च के प्लांट है, कुछ प्लांट मैंने उधर सेमी शेडेड एरिया में कर दिए है, शिमला मिर्च से भी मुझे बहुत बेटर हार्वेस्टिंग मिल रही है, और इसमें कुछ शिमला मिर्च जो लगी हुई है अभी रेडी हो चुके हैं, इनको भी मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। ये देखिए प्लांट में लगे लगे पकने लगी है। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हो ये मेरी सेम फली की बेल है, और सेम फली में भी मेरी जो सेम के जो हार्वेस्टिंग है वो रेडी है, हर दूसरे तीसरे दिन इससे मैं हार्वेस्ट करती रहती हूँ। फलियों को बहुत पौष्टिक होती है, रिच ऑफ प्रोटीन होती है, प्रोटीन का खजाना होते हैं दोस्तों, और सबसे बड़ी बात आपके अपने हाथों से उगाई अपने गार्डन की प्योर ऑर्गेनिक और बिल्कुल प्योर फ्रेश वेजिटेबल, जब मन करे तब यहाँ से तोड़ के हार्वेस्ट करके आप अपना इनको पका कर खा सकते हैं। ये देखिए ऊपर तक बस थोड़ा सा सहारा दीजिए और ऊपर इस तरीके से इसकी बेल फैल जाती है, बहुत ज़्यादा केयर की भी आवश्यकता नहीं है, और बहुत अच्छे से लबालब ये हमें फ्रूटिंग करती रहती है। इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं आप ये मेरा बेल वाला टमाटो का प्लांट है, और देखिए कितना लंबा, ये लगभग 8 से 10 फीट तक ऊपर चढ़ चुका है। इस तरीके से थोड़ा सा मैंने इसको सहारा दिया और देखिए ऊपर तक कितने सारे टमाटर इसके अंदर लगे हुए हैं, और रेगुलर मैं इसे हार्वेस्टिंग भी ले रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं मेरे शिमला मिर्च के प्लांट हैं, इनको थोड़ा सा मैंने सेमी शेडेड एरिया में रखा है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था अचानक से और प्लांट मेरे झुलसने लगे थे, तो इनको ऐसी जगह पे प्लेस कीजिए जहाँ इनको 3-4 घंटे की मॉर्निंग की फुल सनलाइट मिले और उसके बाद इवनिंग और आफ्टरनून की सनलाइट से प्लांट हमारे बचे रहें। यहाँ नेक्स्ट आप देख सकते हैं मेरे करेले की बेल है जो एक कैरेट के अंदर लगी हुई है, और देखिए इससे मुझे अब करेले भी हार्वेस्ट करने को मिल रहे हैं, बहुत शानदार बहुत अमेजिंग। ये गर्मी के प्लांट की फर्स्ट हार्वेस्टिंग मेरी है करेले की, और बहुत खुशी हो रही है इनको हार्वेस्ट करते हुए। देखिए इनको भी एक रस्सी के सहारे से मैंने ऊपर की तरफ चढ़ा रखा है, और बहुत ही अमेजिंग ये मुझे फ्रूटिंग करेगा, बहुत अच्छे से फैल जाएगी पूरी बेल, इसकी स्प्रेड हो जाएगी। छोटे छोटे बेबी प्लांट भी बहुत सारे लगे हुए, बेबी फ्रूट यहाँ पे। इसके बाद यहाँ मैं दिखा सकती हूँ आपको येलो जुकनी। जी हाँ दोस्तों, येलो जुकनी का प्लांट मैंने लगाया था, लेकिन इसमें जब पोलिनेशन की बारी आई तो मैंने ग्रीन वाली जुकनी, क्योंकि येलो के अंदर मेल फ्लावर नहीं था, मैंने ग्रीन वाले जो जुकनी का प्लांट है उसके फ्लावर से इसके अंदर पोलिनेशन किया था, और देखिए एक नई ब्रीड ये तैयार हो गई है, येलो प्लस ग्रीन जुकनी, बहुत ही अमेजिंग। इसके बाद यहाँ देखिए 56 कद्दू के जो प्लांट है इसके अंदर ये एक जो टिंडा है बहुत बड़ा हो गया था, इसको मैंने छोड़ दिया नेक्स्ट सीजन के लिए, नेक्स्ट ईयर इसे मैं बीज बनाऊंगी और बीज बनाकर इसको नेक्स्ट सीजन में यूज करूंगी। तो इस तरीके से अगर कोई फ्रूट आपका ज्यादा मैच्योर हो जाता है तो उसको आप रख लीजिए, उसको तोड़ने की बजाय फेंकने की बजाय उसको प्लांट में लगा रहने दे, इससे आपके नेक्स्ट सीजन के लिए आपको सीड जो है वो तैयार हो जाएंगे और बहुत ही बढ़िया सीड आपको मिलेंगे। फिर यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरी जो है पेठे की बेल है जिसको मैंने ऊपर चढ़ाया हुआ है तार का जाल बनाकर, उसके ऊपर देखिए पेठे की कई बार मैं हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ और अभी भी ये नया फ्रूट मेरा तैयार हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं सभी मेरे 56 कद्दू टिंडे और जुकनी के प्लांट है और बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ देखिए मेरे किया की बेल है जिसको मैंने बड़े वाटर टैंक के अंदर लगा रखा है, और देखिए इसके अंदर भी बेबी फ्रूट्स बन रहे हैं जिनको मैंने हैंड पोलिनेशन किया था परसों, और देखिए फ्रूट की ग्रोथ जो है स्टार्ट हो गई है और बहुत ही अमेजिंग तरीके से बढ़ रही है, बहुत शानदार। लगभग 3 से 4 दिन के बाद ही मुझे घिया की भी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं मेरे समर के टमाटो प्लांट है जो मैंने सीडलिंग तैयार करके खुद ही और इनको ट्रांसप्लांट कर दिया था, तो समर सीजन के जो मैंने टमाटो प्लांट लगाए नीचे अपने ग्राउंड फ्लोर पे लगाए हैं, और इससे फायदा क्या होगा कि छत पे जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लू चलेगी तो प्लांट को चलने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो नीचे आफ्टरनून की इसको छाया मिल जाती है, ऐसी जगह पर मैंने इनको लगाया। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं मेरे लहसुन है, लहसुन की थोड़ी सी मैं केयर नहीं कर पाई तो थोड़ा सा ये अभी शॉक में है,
और उसके बाद देखिए इधर मेरा ऑनियन। जी हाँ दोस्तों, ये गर्मियों की प्याज मैंने लगा रखी है, बहुत शानदार, बहुत ही अमेजिंग। इसकी भी सीडलिंग मैंने खुद तैयार की थी, खुद लास्ट सीजन के बीजों से कुछ बीज बनाए और उन्हीं से मैंने इसको रेडी किया है। उसके बाद आगे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ आप देखिए ये मेरी ककड़ी की बेल है। ककड़ी की बढ़ते हुए बहुत शानदार ग्रोथ लेते हुए किस तरीके से ऊपर मेरे पीच के प्लांट के साथ साथ बढ़ रही है। और इधर आप देख सकते हैं मेरे खीरे की बेल है, बहुत हेल्दी, बहुत फ्रेश, और इसके अंदर तो छोटे छोटे बेबी फ्रूट्स बनने भी लगे हैं। ये देखिए, यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बहुत ही अमेजिंग, बहुत खुशी होती है देखकर। और इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं मेरे ककड़ी के जो फ्रूट है वो बनने शुरू हो गए हैं, और अभी बहुत जल्द मुझे अपने हाथों से उगाई हुई अपने गार्डन की प्योर ऑर्गेनिक ककड़ी भी खाने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ककड़ी का जो फ्रूट है यहाँ पे रेडी हो रहा है, ये कल तक मुझे हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाएगा, बहुत शानदार, बहुत फ्रेश। चलिए तो दोस्तों यहाँ आपने देखा मेरे वेजिटेबल गार्डन का ओवरव्यू, और साथ में देखी मेरी फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल की हार्वेस्टिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, और हाँ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।